नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सेफ न्यूज लाइव खबर का असर, गटर पे लग गया नया ढक्कन तो तहसीलदार कार्यालय से निकाला गया बाहरी व्यक्ति। वसई विरार अंतर्गत सेफ न्यूज अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना पत्रकारिता धर्म अपनाते हुए जनता के भले के लिए आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन को उनकी खामियों के बारे में अवगत करवाता रहा है। चैनल की इस मुहिम का असर भी गाहे बगाहे देखने को मिल जाता है। वर्तमान में चैनल ने 2 दिन पूर्व एक गटर के ढक्कन को लेकर खबर चलाई थी, जिसपे असर के चलते उक्त गटर पर कल ही नया ढक्कन बिठा दिया गया है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। वहीं स्क्रीन पे जो दूसरा वीडियो चल रहा है, इसकी खबर अब तक चैनल पर चलाई नहीं गई थी। लेकिन आपको बता दें, यह मामला है वसई तहसीलदार कार्यालय का, जहां चैनल रिपोर्टर को जब यह खबर मिली कि तहसीलदार कार्यालय में बाहरी व्यक्ति, जिसकी तहसीलदार कार्यालय में किसी पद पर नियुक्ति नहीं है, उसके द्वारा सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए राशन कार्ड संबंधित काम अंजाम दिए जाते हैं, जो भी बाकायदा कार्यालय के अंदर, तब स्थानीय पत्रकार ने अपना पत्रकारिता धर्म अपनाते हुए बेखौफ होकर उस बाहरी व्यक्ति के सामने कैमरा तान दिया और उसके आई कार्ड का सवाल किया, जिस पर वह बाहरी व्यक्ति आई कार्ड दिखाने की बजाय उठकर खड़ा हो गया और कैमरे के सामने से भाग गया। तब पत्रकार ने मामला वसई तहसीलदार मैडम की जानकारी में लाया, जिस पर मैडम ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मीटिंग लेकर बाहरी व्यक्ति को हटाने की बात कही। बाद में शाम को सूत्र के हवाले से जानकारी सामने आई कि तहसीलदार मैडम ने अपने वक्तव्य का पालन करते हुए अपने स्टाफ से बाहरी व्यक्ति को निकाल दिया, जिसके लिए तहसीलदार मैडम धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि जनता के हक में उन्होंने अपने मातहत होते गलत कार्य पर संज्ञान लिया और कार्यवाही की। इस कार्यवाही के बाद हम अपने चैनल के माध्यम से तहसीलदार मैडम से ये मांग जरूर करना चाहेंगे कि मैडम ने बाहरी व्यक्ति को निकालकर प्रशासन को साफ सुथरा तो किया, लेकिन बाहरी व्यक्ति को पुरोठा विभाग में इस तरह बिठाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी जांच बिठाकर कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तहसीलदार मैडम का काम जहां काबिले तारीफ है, वहीं इस मामले में पुरोठा अधिकारी की भूमिका संदेहजनक जरूर दिखाई दी। दरअसल जब इस मामले के बारे में पुरोठा अधिकारी को बताया गया, तब पुरोठा अधिकारी ने कार्यवाही करने के बजाय उल्टा पत्रकार को वीडियो बनाने को लेकर खरी खोटी सुनाई। वीडियो बनाए जाने से पहले परमिशन लिए जाने की सीख भी दे डाली। इतना ही नहीं, पत्रकार को धमकी देते हुए सरकारी काम में बाधा डालने के मामले के तहत फंसाने की बात तक कह दी। खैर, पुरवठा अधिकारी से चैनल को कोई दिक्कत नहीं है, उनको तब जैसा लगा उन्होंने बोल दिया, लेकिन अंत में तहसीलदार मैडम ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की, जिसके बाद चैनल एक बार फिर मैडम का आभार व्यक्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। आपका आईडी दिखाओ, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका आईडी दिखाओ ना। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, 2 दिन पहले यहां मैंने एक वीडियो बनाया था। अब तो मालूम ये गटर मैंने दिखाया था, गटर का हालात क्या है, और ये टूटा हुआ था जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल वीडियो के बाद में मैंने खबर लगाया था और महानगर पालिका ने उसका काम किया है, ढक्कन बिठाया है। लेकिन फिर भी महानगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये काम किया, लेकिन फिर भी आप ढक्कन की हालत देखेंगे तो अभी भी ढक्कन आपको किस तरह से दिखाई देगा, यानी किस तरह का काम महानगर पालिका में होता है, ये इसका सीधा सीधा नमूना है। काम हुआ है नहीं हुआ हम ये नहीं बोल रहे, महानगर पालिका ने काम किया उसके लिए उनको धन्यवाद, लेकिन फिर इस तरह से अगर ये गटर हिलेगी तो कितनी सुरक्षित रहेगी, ये ढक्कन अगर हिलेगा तो कितना गटर सुरक्षित रहेगा, ये महानगर पालिका के लिए सोचने की बात है। बस ऐसे यूसुफ हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।